वेलकम टू टुडेज व्लॉग। और अभी हो रहे हैं शाम की 6 एंड चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। थोड़ा देर शुरू किया है, शाम को शुरू किया है, बट आई थॉट कम ऑन लेट्स आई विल जस्ट शूट द व्लॉग एंड आई विल नो शो मैं क्या करती हूँ शाम को, क्या क्या होता है। बच्चे गए हैं खेलने, अजय का चल रहा है ऑफिस का काम, मैं थोड़ा सा घर में करने वाली हूँ योगा एंड उसके बाद मैं जाऊँगी, चाय बनाऊँगी एंड खाने की तैयारी शुरू करूँगी। इसके लिए अब मैं सीधा योगा करने के बाद जस्ट स्टार्ट किया है मैंने, तो डीप ब्रीथ डीप आउट, मतलब कि थोड़ा सा घर में हल्का हल्का शुरू किया है टू नो थोड़ा सा से टायर्डनेस रहती है घर पे अगर कुछ वर्कआउट नहीं करते हैं तो आई हैव जस्ट स्टार्टेड। सो या यस, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए एंड आपको मिलूँगी मैं सीधा योगा करने के बाद। आने जा रही हूँ और ये मैं मामाअर्थ का, वैसे मैंने पता है पहले आपको मामाअर्थ का मैं उपटन वाला फेस वॉश करती थी यूज़, अब मैं स्विच किया है मामाअर्थ का ही ऑयल फ्री फेस वॉश। जे मुझे थोड़े से एक्ने आते हैं मतलब समर में, और मेरी स्किन थोड़ी ऑयली भी है तो पोल्यूशन की वजह से, समर में गर्मी की वजह से मुझे आता है, तो ये दिस इज़ वेरी गुड। सो एक्ने प्रॉन स्किन के लिए होता है ये, काफ़ी अच्छा है, इससे आपको जो एक्ने ब्रेकआउट है, ऑयली स्किन है, इसका बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं ये कर रही हूँ यूज़। सी रिमूव एक्सेस ऑयल क्रीम एंड डर्ट गिव हेल्दी ग्लो। सो ये ऑयल फ्री फेस वॉश साथ में मैं कर रही हूँ यूज़ ये मामाअर्थ का ही ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर विद एप्पल साइडर विनेगर। सो मामाअर्थ का मैंने ऑयल फ्री फेस वॉश यूज़ करके नहा के हो गया, बालों को ड्राई भी कर लिया। अब मुझे बनाने हैं वीडियोस, तो मैं मेकअप करने वाली हूँ। उसके पहले मैं लगाऊंगी मामाअर्थ का मॉइस्चराइजर, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। अभी फिलहाल मेरे फेस पे मैंने कुछ भी लगाया नहीं हुआ है, नथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं है, बस कहीं नहा के आई हूँ, कोई मेकअप नहीं है, कुछ नहीं है। एंड दिन में सुबह और शाम 2 बार लगाना है मॉइस्चराइजर। मेकअप करने के पहले भी लगा सकते हैं और मेकअप नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप लगा सकते हैं। एंड मामाअर्थ का फेस वॉश जो मैंने यूज़ किया है ऑयल फ्री, इट इज़ सो नाइस, सो नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। सी सो नाइस, सो रिफ्रेशिंग। अब मुझे करना है मेकअप। मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है, मामाअर्थ का ऑयल फ्री फेस वॉश से मैंने फेस भी क्लियर कर लिया है, नहा भी ली हूँ मैं, सब कुछ हो गया है, बाल भी ड्राई हो गए। बट बिफोर डूइंग द मेकअप, अप्लाई करने के पहले मुझे आपको बताना है मामाअर्थ के बारे में। मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं, मामाअर्थ का नहीं मैं प्रेफर क्यों करती हूँ, मतलब आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, मैं काफ़ी टाइम से मामाअर्थ के ही प्रोडक्ट्स जितने हो सके मैं यूज़ करती हूँ। उसके 2 रीज़न है। एक तो मामाअर्थ जो है उनका जो प्लान इनिशिएटिव मुझे बहुत पसंद है, तो आप जो भी प्रोडक्ट लेते हो मामाअर्थ से तो वो अपनी वेबसाइट में लिंक करते हैं एक ट्री से, एंड दे प्लांट अ ट्री। सो उनका एम है बाय 2025 दे वांट टू प्लांट 1 मिलियन ट्री। एंड ऑल्सो मामाअर्थ इज प्लास्टिक पॉजिटिव। उसमें क्या होता है कि जितना भी वो प्लास्टिक यूज करते हैं उससे ज्यादा वो रिसाइकल करते हैं, एंड एवरी मंथ दे रिसाइकल 240 मेट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक विच इज वेरी गुड। सो मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आप अवेलेबल है अमेजॉन, नायका एंड मामाअर्थ का वेबसाइट में भी अवेलेबल है। मामाअर्थ का ऐप भी आ चुका है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऐप में जो अर्ली एक्सेस मिलेगा सेल्स में एंड डिस्काउंट भी मिलेंगे, तो आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। एंड ये जो प्रोडक्ट है, आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं मामाअर्थ के यहाँ से, एंड यू कैन यूज माई स्पेशल कूपन कोड PRIDE2022 जिसपे आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। ये कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं मामाअर्थ के वेबसाइट में और ऐप में। तो मैं आपको बोलूँगी आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स, यकीन मानिए कि दे आर वेरी गुड। एंड मेरे घर पे मैं, अजीत, निष्ठा, सभी लोग हम लोग करते हैं यूज़। मैं खाने में बनने वाला है नूडल्स, तो आप पूरा देखिए ये कि मैं बताऊंगी नूडल्स कैसे बनाऊंगी बच्चों के लिए। और मतलब अभी हो रहे हैं 7:30, तो बाय 8 o'clock मुझे अपना सब कुछ फिनिश करके जाना है किचन में काम करने के लिए। तो बस अब मैं रेडी होती हूँ, वीडियो बनाती हूँ और फिर आपको मिलेंगे सीधा काम करते हुए किचन में। काम चल रहा है, आज बनने वाले हैं नूडल्स, और नूडल्स बनने वाले हैं चीन के वेज हक्का नूडल्स। यहाँ पे मैंने सब्जी काट ली है, स्प्रिंग ऑनियन है, कैप्सिकम, गाजर और प्याज। एंड बस अब मैं चाय पीने के बाद सब तैयारी करूँगी खाने की। पानी गरम कर लिया है यहाँ मैंने, बॉईल हो रहा है। सॉल्ट ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, यहाँ पर कढ़ाई रख दी है। हृदय और निष्ठा दोनों नहा रहे हैं बाथरूम में और गायत्री मंत्र बोल रहे हैं नहाते हुए। चीन का हक्का नूडल्स बनने वाला है। तो पानी बॉईल हो गया, इसमें ऐड करूँगी नूडल्स। नूडल्स बॉईल हो रहे हैं। यहाँ पर सब्जियाँ काट ली है। यहाँ पर ये रहा सरसों का तेल, इसमें बनाऊंगी। तेल को मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। जब तेल अच्छे से गर्म होता है इसका कलर जो है इट चेंजेस इनटू ट्रांसपेरेंट कलर, तो बास नहीं आती है सब्जी में। इतना तेल आई थिंक काफ़ी है। आई थिंक दिस मच इज इनफ। यस, इतना काफ़ी है। अभी देखिए येलो कलर है, जब इसको गर्म बहुत गर्म हो जाएगा तो कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और बास पूरी चली जाएगी, जो उसकी सरसों की जो खुशबू है वो नहीं आएगी। और यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि मैंने चाय नहीं करी। नहाने के बाद लेट हो गया, फिर मुझे वीडियो बनाए थे एक दो, उसमें बिजी हो गई, इसलिए चाय को देर हो गई आज। उसका अभी 8:30 हो रहा है। इस तरह बच्चों को दूँगी मैं क्योंकि नूडल्स हम नहीं खाने वाले आज, तो मैं बच्चे खाएंगे। मैं थोड़ा सा टेस्ट करूँगी। और यहाँ पर नूडल्स आई थिंक लगभग बॉईल हो गए हैं। मैं बंद कर दूँगी। अब तक तेल गरम नहीं हुआ है। जब पूरा ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब तेल गरम हो गया है। यहाँ मैंने चाय रख दी है बनने के लिए और ये दिन आके आ गया है। आराम से बैठना दो ना यार। अब देखिए कलर चेंज हो गया है, सरसों का तेल भी का कलर मतलब नॉर्मल हो गया। अब बास नहीं आएगी। अब मैं लगाऊंगी तड़का इसमें। यहाँ मैं लहसुन काट के रखा है डालूंगी इसमें। अभी मैंने गैस धीमी कर दी है। अब डालूंगी इसमें प्याज। यहाँ पर प्याज भून रहा है, चाय हो रही है, नूडल्स पक गए। इसका पानी मैं ड्रेन कर लूँगी। अभी ये छाननी में ड्रेन कर लिया है मैंने पूरा पानी नूडल्स का। और देखिए ये बराबर पके हैं, ज़्यादा पके हुए नहीं होने चाहिए, थोड़े से कच्चे रहने चाहिए, थोड़े से हल्के से, तो ये घेपे नहीं होंगे। एंड इसमें नमक और ऑयल डाल के करना, तो ऑयल से और ये चिपकेंगे नहीं। मैं ऊपर से इसको कोल्ड वाटर में ड्रेन नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, चिपकते नहीं है मेरे। और यहाँ पर प्याज भून रहा है। वेज हक्का नूडल्स और ये इंडियन मसाला वाला बनाया है मैंने। ओके, इसमें मैंने सिर्फ ऑथेंटिक नहीं है, मेरे स्टाइल का है। सो मैं देती हूँ निष्ठा को आज का डिनर। थोड़ा सा मिक्स कर लूँ पहले। हे बेबी एंजॉय। निष्ठा डू टेस्ट टेस्ट। यम, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है ना? ओके। अजीत कॉल चल रहा है अभी, चाय खा रही है। कॉल चल रहा है। एंजॉय नूडल्स खा रहे और बच्चे यहाँ पर खाना खा रहे हैं। ये कैसे लगा नूडल्स? यम्मी, स्पाइसी लगा थोड़ा सा आपको? और कोबर कुछ मैंने डाला नहीं, अच्छा मैंने डाला नहीं सजवन। अभी हो रहे हैं 10:30। रिदे, हाउ वाज द डिनर टुडे बच्चा? बच्चों ने आइसक्रीम भी खाई ना, कॉर्नेटो अच्छी लगी। आर यू गेटिंग टायर्ड? डू यू वांट टू से एनीथिंग इन द व्लॉग? हाउ वाज द डे? नो, बिकॉज यू आर टायर्ड। और मम्मा टू हग यू, kiss you. Do you want me to sing some lullabies? Which lullaby you want? Any in the movies? Oh yeah, mama has born lullaby. Chanda hai tu mera suraj hai tu, o meri aankhon ka tara hai tu, ride babu bada pyara hai tu, प्यारा प्यारा राज दुलारा है तू, चंदा है तू। मामा, माय हार्ट इज गोइंग लाइक दिस, धक 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 धक। व्हाई धक व्हाई? आई डोंट नो। डाउन देयर वर जेम्स, सो आई गलती से एट देम, देन प्रिंसी who's the दीदी started to attack me. Why? I didn't know they were cues. Oh. And then who's started hitting me on the back, on the head. I will talk to Didi. I will say not to hit my baby. It is not your mistake. You also hitting me. It is not your mistake. No, I thought you thought Didi's gem, right? It's harder to see. How many gems you ate? Full gems. So what your auntie told? Kiwi's mom told? No. What she told? Kilmon didn't came. Achha, it's okay. Huh? Next time, whenever you want to eat from the Didi's bag, na you ask Didi, okay? Mama, 5 times I went up and down, just weaving. Why? Because I was ringing the bell, I was knocking the door. I told na Babu, Papa is working. Don't come again. I told you na. Shh, shh. Papa is in call now. Don't. Shh, shh. Sleep. I want 8 hours. I wanted to go wash. Oh, then what you did? Yeah. इंस्टाग्राम डेवलप करेगा। ओके ओके टेल ना व्हाट वेयर यू वेंट। ओह माय गॉड आई जस्ट कांट नो। ओके I told her mama is not at home, papa is working, nobody will open door, don't go again, papa is on call. I wanted to did you ring the bell? Papa was taking bath. Doorbell wasn't working. Oh yeah, the switch was off by mistake. Sorry. See. Kunda, chalo sleep. Good night, baby. Good night. Jao there. Quiet, mister. Papa ko call chahiye. Good night. Sleep tight. Good night, Georgie Pig. Good night, Peppa Pig. Good night, Papa Pig. Good night, my little piggies. Love you. So, good jana beta, ठीक है? कपड़े फोल्ड कर रहे हैं, इसको सेट करना है मुझे यहाँ पर।